दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होने जा रही है और ये बैठक गोवा में हो रही है। तमाम विदेश मंत्री गोवा में इस वक्त मौजूद हैं। एससीओ से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। आपको पता है कि शंघाई सहयोग संगठन समिट की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और ये एससीओ समिट गोवा में हो रहा है दो दिन के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एससीओ समिट को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो बैठक है कई मायनों में काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखते हैं किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। अब कल ही आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में गोवा में विदेश मंत्रियों की ये बैठक, क्या रूस और यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर जिक्र होगा, बात होगी, ये देखना होगा। बिलावल भुट्टो का ये भारत का दौरा, ये आप देख रहे हैं। तमाम विदेश मंत्री इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। गोवा में थोड़ी देर में ये बैठक विदेश मंत्रियों की शुरू हो रही है और संजीव त्रिवेदी इस वक्त इस खबर पर मौजूद हैं। संजीव, ये जो गोवा में एससीओ समिट हो रहा है दो दिन के लिए, कितना अहम है? देखिए, गोवा का ये समिट दरअसल इस बात का परिचायक भी है कि भारत जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि जो विकासशील देशों का समूह है, उसमें क्या हैसियत रखता है आज की तारीख में। ये शंघाई सहयोग संगठन दरअसल एक ऐसा समूह है जिसमें कि विकासशील देश भी हैं, चीन और रूस जैसे देश भी हैं, और आज ही जब बैठक होगी तो दूसरी तरफ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ, और ये दोनों दूसरी दफा हमारे देश में है। G20 के लिए अभी हाल ही में आए थे और अब देखिए कि ये एससीओ की बैठक के लिए आए हुए हैं। तो ये मानकर चला जा सकता है कि भारत ने हाल के वर्षों में जो एक अख्तियार हासिल किया है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये उसी का परिचायक है कि आज गोवा में ये बड़ी बैठक एससीओ की, जिसमें कि अध्यक्ष भारत है, उसकी बैठक हो रही है। साथ ही साथ आप जानते हैं हम G20 के भी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में एक तो ये भारत की जो सुप्रीमेसी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये उसका परिचायक है। दूसरी बात यह है कि 11 सालों बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री हमारे देश में होंगे, बिलावल भुट्टो पहुंच रहे हैं और वो ये कहते हुए आ रहे हैं कि देखिए हम एससीओ को बहुत महत्व देते हैं और इसी कारण से आ रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि भाई हम उन सभी देशों को बुलाएंगे जो सदस्य देश है, भले ही हमारी जो आपसी बातचीत है पाकिस्तान के साथ वो नहीं हो रही है और पाकिस्तान को यहाँ आना पड़ रहा है, वो डिनाई नहीं कर पाया इन्विटेशन को, ये भी अपने आप में भारत की प्रभुत्व को दिखाती है। इससे हासिल क्या होंगे विप्लेश, अगर इसकी हम बात करें तो ये जरूर है कि आज यहाँ पर ये बातें होंगी कि कैसे विश्व में शांति जो है वो यूक्रेन रूस वॉर की वजह से घट रही है और इस कारण से लोगों की जिंदगी में न केवल यूक्रेन और रूस बल्कि पूरी दुनिया में दिक्कतें आ रही हैं, और जिस तरह से जो एनर्जी प्राइसेस हो रही हैं ऊपर आसमान में जा रही हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है, और ऐसे में विदेश मंत्री जाहिर है इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन नजरें विप्लेश इस बात पर रहेंगे कि क्या बिलावल भुट्टो इस बार जब भाषण देते हैं तो क्या वही वो पुराना कश्मीर का राग अलापते हैं और किस तरह से भारत इसका जवाब देता है। जी बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं, भारत कितनी तवज्जो देगा ये भी देखना होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा है आने से पहले सुनिए। मैं गोवा भारत जा रहा हूँ जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क्यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाजे पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को और इस एससीओ समिट पर हमारी नजर रहेगी। संजीव आपका शुक्रिया अभी के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।